अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता है, हमने दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया और इसका उन्वान है इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो आज हम इसमें लेक्चर नंबर 4, जिसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कब हमारे वजूद में आई, अल्फाबेट्स क्या है और पहले कौन से अल्फाबेट्स इस दुनिया में मौजूद थे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, अल्फाबेट्स एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। एज पर इंग्लिश डिक्शनरी एक्सप्लेन, अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स इन फिक्स्ड ऑर्डर यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिस सेट ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, स्पेशली द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अल्फाबेट को कैसे एक्सप्लेन किया कि एक लेटर्स का मजमू या सिंबल्स का मजमू एक फिक्स ऑर्डर में हो और एक स्पीच को साउंड करे किसी भी जबान में, खासकर लेटर जो है ना ए से लेकर जेड तक। द इवोल्यूशन ऑफ अल्फाबेट्स इज फैसिनेटिंग जर्नी। मतलब अल्फाबेट का जो ना ये जो तारीख है, ये भी एक फैसिनेटिंग टाइप जर्नी है। इट स्पेंट थाउजेंड ऑफ इयर्स एंड एनकम्पास वेरियस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत सारी तहजीबों में और सकाफत में अल्फाबेट्स की जो है ना नई नई रूह नमा हो गई। ओवरव्यू ऑफ द की स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट्स की दुनिया में जो इवोल्यूशन यानी इर्तिका आई हुई थी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली जो अल्फाबेट आपको मिलती है प्रोटो राइटिंग सिस्टम। The earliest forms of written communication emerged around 3500 BC with the development of proto-writing system in ancient civilizations such as Sumerian, Egypt and Indus Valley. ये तीन पुरानी तहजीबें हैं, सुमेरियन और मिसर और इंडस यानी सिंध सिविलाइजेशन के। दीज अर्ली राइटिंग सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ पिक्टोग्राम एंड आइडियोग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। पुराने जमाने में जो नहीं अल्फाबेट्स पिक्चर की फॉर्म में होती है, आइडिया एक शेप दी जाती थी जिससे बंदा कोई भी लफ्ज महसूस कर सकता। कंसेप्ट एंड आइडिया बट डिड नॉट गेट कंस्टिट्यूट टू अल्फाबेट राइटिंग सिस्टम। इन्होंने कोई इसमें कोई अल्फाबेट बंदा नहीं समझता था क्या था, लेकिन तस्वीरी शक्ल में ये सारी चीजें मौजूद हुआ करती थी। फिर उसके बाद आ गई फोनीशियन अल्फाबेट, जिन्होंने जो ने एक नए इनकलाब बरपा की। तो फोनीशियन अल्फाबेट डेवलप्ड अराउंड 1050 BCE बाई दी एंशंट फिनिशियंस इन प्रेजेंट डे लबनान, जो मौजूदा लबनान है। इन्होंने फिनिशियन अल्फाबेट ईजाद की 1050 कबल मसीह। इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू अल्फाबेट। ये जो ना अल्फाबेट तस्वर किए जाते हैं, इट कंसिस्टेड ऑफ 22 कंसोनेंटल कैरेक्टर्स। भाई इस कंसोनेंटल कैरेक्टर पे मुश्तमिल थी रिप्रेजेंटिंग साउंड्स रादर देन पिक्टोग्राफिक सिंबल। ये पिक्टोरियल सिंबल से अलग थी, मतलब ये समझ आ जाती थी कि ये एक लफ्ज है, जैसे कि ए का मतलब बी सी इस तरह के, ये समझ में आने शुरू हुए। द फिनिशियन अल्फाबेट सर्व एज द बेसिक फॉर मेनी सबसिक्वेंट अल्फाबेट इन द एंशिएंट मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। जो आने वाली जो ना पेर तहजीबें आ रही थी, ज्यादातर फिनिशियन अल्फाबेट्स को नकल किया करते थे और इसी से नई नई जो ना अल्फाबेट सामने आ जाती थी। ग्रीक अल्फाबेट, द ग्रीक अल्फाबेट डिराइव फ्रॉम द फिनिशियन, जैसे कि मैंने आपको बताया फोनीशियन अल्फाबेट से माहौज की गई थी और ये 8वीं सेंचुरी में यहाँ पे ईजाद किए गए हैं। द ग्रीक एडेप्टेड द फोनीशियन कैरेक्टर्स एंड एडेड वावल सिंबल। इनमें इन्होंने वावल कंसोनेंट तो होते 22 लफ्ज, इन्होंने वावल शामिल किए थे। रिजल्टिंग इज फुली डेवलप्ड अल्फाबेट विद बोथ कंसोनेंटल एंड वावल लेटर। इन्होंने वावल कंसोनेंट को मिलाया, जो नई अल्फाबेट बने इसको ग्रीक अल्फाबेट कहते थे। द ग्रीक अल्फाबेट बिकेम The basis for Latin alphabets and many other alphabets used in European and Middle East. यूरोप और मिडिल ईस्ट में अल्फाज यूज होती थी, ज्यादातर ग्रीक पर मुश्तमिल थी और ग्रीक के कहाँ से माहौज थी, फिनिशियन से। लैटिन अल्फाबेट, लैटिन अल्फाबेट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट से फिर जो नई अल्फाबेट वजूद में आई वो है लैटिन अल्फाबेट। वॉज अडोप्टेड बाई द एंशंट रोमन अराउंड द 7th सेंचुरी। 7 सदी में जो ना 7वीं सदी में ये अल्फाबेट लैटिन अल्फाबेट आ गई, जो कि ग्रीक से माहौज है। द रोमन मॉडिफाइड द ग्रीक कैरेक्टर्स एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल लेटर्स टू रिप्रेजेंट साउंड स्पेसिफिक टू द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में वो चीज़ आ गई जो कि ग्रीक अल्फाज में से कोई चीज़ जो ना सही तरह इजहार नहीं किया जाता था। द लैटिन अल्फाबेट इवेंचुअली बिकेम द डोमिनेंट राइटिंग सिस्टम इन यूरोप। अच्छा, लैटिन से फिर यूरोप ने जो ना नए 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 अल्फाबेट शामिल किए, तो फिर ये मौजूदा जो लैंग्वेज हमें नजर आ रही, इसी तरह ग्रीक से लैटिन और ग्रीक ने फिनिशियन से अखज किए, इंक्लूडिंग दोज यूज इन इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड मेनी अदर लैंग्वेज। अब लैटिन से जो है ना ये जो अंग्रेजी मौजूदा या फ्रेंच या स्पेनिश है, ये जबानें बन गई।
अरबिक अल्फेबेट, अरबिक अल्फेबेट डिवेलप्ड अराउंड 4 सेंचुरी इज डिराइव फ्रॉम द अरामेक स्क्रिप्ट। अरामेक स्क्रिप्ट से जो ना अरबिक अल्फाज बने हुए थे, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिनिशियन अल्फाबेट, और इन्होंने जो ना फिनिशियन अल्फाज से जो ना ये चीजें माखूज की। द अरबिक अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 28 लेटर्स एंड इज यूज्ड टू राइट द अरबिक लैंग्वेज एज वेल एज मेनी अदर लैंग्वेजेस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया में जो ना अरबिक अल्फाज ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि 28 लेटर्स पर मुश्तमिल है। तो आखिरी स्लाइड है इसी में, साइरेलिक अल्फाबेट। द साइरेलिक अल्फाबेट डेवलप इन 9th सेंचुरी बाय द बाइजेंटाइन स्कॉलर्स सेरेन एंड मेथोडियस, इज बेस्ड ऑन द ग्रीक अल्फाबेट। जो साइरेलिक अल्फाबेट है ये यूनान से माखूज किए गए थे। बार फ्रॉम द ग्लेगोलिटिक अल्फाबेट, द साइरेलिक अल्फाबेट इज यूज टू राइट अ स्लेविक लैंग्वेज सच एज रशिया, यूक्रेनियन, बल्गारियन एंड सर्बियन। साइरेलिक अल्फाज कहाँ कहाँ पे ज्यादा मुश्तमिल है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? रशियन जबान में, यूक्रेनियन जबान में, बल्गारियन जबान में और सर्बियन लैंग्वेज में। मॉडर्न अल्फाबेट्स इन एडिशन टू द एफोरमेंशन अल्फाबेट्स, न्यूमरस अदर राइटिंग सिस्टम एंड अल्फाबेट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर। दिस इंक्लूड्स द हिब्रू अल्फाबेट। नहीं, जो अल्फाज मारजी वजूद में आई उसमें उबरानी है, डेरा फ्रॉम फिनिशियन अल्फाबेट, जो कि फिनिशियन अल्फाबेट से इन्होंने भी माहौस किया। देवनागरी स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग संस्कृति एंड मेनी इंडियन लैंग्वेज, जो इंडियन लैंग्वेज संस्कृत वो इसी से माहौस किए गए। एंड दी हैंगुल स्क्रिप्ट डिवेलप फॉर द कोरियन लैंग्वेज इन द 15th सेंचुरी। मतलब ये अल्फाबेट की कुछ संस्कृति जिसमें फिनिशियन है, ग्रीक है, लेटिन है, और फिर जो ना साइरिलिक और फिर मॉडर्न अल्फाबेट। ये सारी जो ना एक इरतकाई मरहला है, जो कि मुख्तलिफ अदवार में ये अल्फाबेट प्रेजेंट की गई। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। लेक्चर सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें।